नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपडेट आपको दे रहे हैं सीधे राजस्थान के जयपुर से, जहां पर एक 20 साल के युवक की मामूली से विवाद पर हत्या कर दी जाती है। जी हां, ये बताया जा रहा है कि ये शाम के वक्त कल रात को 10:45 पर वहां से गुजर रहा था रामगंज इलाके से, और कुछ बंदों से इनकी जो लड़ाई होती है, तो पहले तो इनकी जो लड़ाई होती है वो जुबानी तौर पर होती है, उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई तक बात आती है और उस 20 साल के युवक को इस कदर उसकी पिटाई की जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से आज पूरे जयपुर में हंगामा चल रहा है, सड़कों पर लोग हैं और पूरे शहर में सन्नाटा है। पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने शांति की अपील की है और साथ ही परिवार को मदद के लिए 50 लाख का जो बयाना है वो देने की बात कही है, और साथ ही संविदा पर एक नौकरी। लेकिन फिर भी पुलिस जो है तमाम तरीके के लोगों से बात करने के बाद में बराबर जो मीडिया कर्मियों को ये बता रही है कि इस मामले को जल्दी से शांत कर लिया जाएगा। हालांकि शांत कैसे कर लिया जाएगा ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस को तो अभी तक मांगे ही नहीं पता है। पुलिस ने ये बताया कि उनकी जो कुछ मांगे हैं जिनकी बात वो हाई लेवल पर चल रही हैं, यानी कि हाई कमांड से उनकी बात चल रही है उनकी मांगों को लेकर के, तो वो मांगे जो पुलिस को नहीं पता है उस बेसिस पर पुलिस कह रही है कि हाई कमांड उनकी मांगों को मान लेगा और उसके बाद इस मामले को जल्दी काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन यही एक सवाल उठाता है कानून की व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि किस तरीके से ये गुंडागर्दी इतनी बहाल हुई पड़ी है कि इतनी आज़ादी से, मतलब इतने घटिया तरीके से लोग एक 20 साल के युवक को जान से मार देते हैं। उसके बाद में जो जिस तरीके का आक्रोश जयपुर में देखा जा रहा है, हम आपको लगातार इसकी जो रिपोर्ट दे रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून लाइव के माध्यम से, हम आपको पूरी जानकारी जो इस वक्त की लाइव दे रहे हैं कि 20 साल के एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी जाती है सिर्फ एक मामूली विवाद पर, कि बाइक टकराती है, कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद हाथापाई होती है और उस हाथापाई में एक युवक की जान चली जाती है। तो ये बिल्कुल निंदनीय है। हालांकि वहां पर हंगामा बिल्कुल जारी है और मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ जो संवाददाता सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि DGP ने तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं और इसमें लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसको मामले को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार लोगों से बातचीत करके उनको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोगों को बताया जा रहा है कि मामला मतलब पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है, परिवार की मांगे हैं वो सुनी जा रही है और उनको मानने के लिए भी एक्शन लिए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस बल पूरी तरीके से सड़कों पर तैनात है, मार्केट पूरी बंद है और इस तरीके से जो मामला इस वक्त जो सामने आ रहा है वो पूरी तरीके से ये जायज करता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है राजस्थान का वो इस वक्त थोड़ा सा हार मानता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रिपोर्ट जो बता रही है कि इस मामले को शांत कर लिया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से और भी जो हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाताओं से, वो लगातार हमको इस बात की जानकारी दे रहे हैं जो इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से हम आपको लगातार जिस जानकारी को आगे आपको दे रहे हैं कि जो जयपुर में तनाव की स्थिति है वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिस तरीके की वहां पर यह घटना हुई है वहां से लोग निराश हुए पड़े हैं और आक्रोश में हैं। मुख्यमंत्री का भी इस पर जो बयान है कि यह बिल्कुल निंदनीय है और परिवार को सरकार की तरफ से जो भी मदद मुहैया कराई जाएगी उसकी पूरी कोशिश की जा रही है, मांगे सुनी जा रही हैं और अभी तक जो है जो मांगे सामने आई हैं जो उनकी है कि इसके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया है कि 50 लाख का बयाना जो उनको मुआवजा दिया जाएगा, जिस बच्चे की हत्या हुई है उसके माता पिता को, साथ ही उनको एक डेयरी बूथ में संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। ये कांग्रेस विधायक अमन कागजी का कहना है जिनकी अशोक गहलोत से इस मामले में मुलाकात हुई है और अशोक गहलोत ने भी साफ तौर पर इस मामले पर अपना बयान जारी किया है और लगातार जनता से वो शांति की अपील कर रहे हैं। तो जिस तरीके की कार्रवाई इस वक्त अशोक गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन कर रहा है वहां पर मौके पर मौजूद होकर के, तमाम मीडियाकर्मी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है जो हमको इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं, तो रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि कुछ ही समय में इस पूरे मामले पर काबू पा लिया जाएगा। आगे की रिपोर्ट के लिए देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। हम आपको तुरंत इस हर मौके की लाइव जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।